वट इज ग्रामर दिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज सिंटेक्स सिंटेक्स एंड ग्रामर रूल्स इज कॉल्ड ग्रामर इट डजेंट हैव मीनिंग इट्स ओन यानी ग्रामर वो रूल्स और डिस्क्रिप्शन है रूल्स की वो डिस्क्रिप्शन है जिसके तहत हम सेंटेंसेस uh, की कंस्ट्रक्शन वर्ड्स की कंस्ट्रक्शन और उनकी मेकिंग uh, को हम स्टडी करते हैं और ये सेट ऑफ रूल्स विद सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज तो ग्रामर बेसिकली ये है कि हमें गाइड uh, करती है कि किस तरह हम सेंटेंसेस uh, किसी लैंग्वेज के वर्ड्स के बाद हम सेंटेंसेस को हम बनाएंगे और कैसे उनको यूज़ करेंगे और किस तरह वर्ड्स को ऑर्डर करके हम सेंटेंसेस को हम वो सेंटेंसेस बनाएंगे और किस तरतीब से और किस तरह जो इसमें वर्ब्स हैं आपके या जो आपके नाउंस हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से कौन कौन से हैं उनको किस तरतीब से हम जोड़ेंगे एक सेंटेंस के अंदर कि वो अपना मीनिंग सही तरह से कन्वे करें और क्योंकि उनकी तरतीब में अगर फ़र्क पड़ेगा तो उनके मीनिंग भी बदल जाएंगे और वो रॉन्ग हो जाएगी और इन लिंग्विस्टिक द इन लिंग्विस्टिक द ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड टू टू ऑर्गेनाइज द सेंटेंसेस टू मेक द सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट करेक्टली विद अदर पीपल तो ग्रामर हमें गाइड करती है और इसमें हम फ्रेजेस वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसके लिए हम उन जिसकी मदद से हम आ, अपना माफी ज़मीर दूसरों के साथ बयान करते हैं और लैंग्वेज में जो करेक्टनेस आती है वो ग्रामर की वजह से आती है अगर हम ग्रामर देखें हर लैंग्वेज में कोई ना कोई ग्रामर के उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और उनको हम यूज़ करते हुए उनको आ, हम अपना लैंग्वेज को सही तौर पर उस सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंसेस कन्वे करेंगे और इस तरह वो हो उनका और ये किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में ये ऐसा होता है नोम चोम्स की जो ट्वेंटी सेंचुरी का बड़ा इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्टिक था वो इंटरेस्टेड था लिंग्विस्टिक्स में और उसने लिंग्विस्टिक्स के बारे में यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है और उसके बकौल इंसान को अल्लाह ताला ने इसकी ऐसी सलाहियत दी है कि इन बॉन उसके अंदर एक उसके माइंड में उसके ब्रेन में ये एक सलाहियत मौजूद है कि जिसको वो यूज़ करते हुए लैंग्वेज सीखता है लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा लैंग्वेज एक्वायर करना होता है इसके लिए इसको वो लैड का नाम देता है लैड मीन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और किस तरह वो फिनिट या फिक्स्ड रूल्स को यूज़ करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस वो बनाएगा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को वो बना सकता है अपनी इस सलाहियत की वजह से जो जो नोम चोम्सकी ने हमें बताया है और जो उसके इनबॉर्न उसके मेंटली एक सलाहियत है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है और जो मफ़ूम है कन्वे करने का वो भी और जो लैंग्वेज एक्वायर करना ये लैंग्वेज एक्वायर करना ये लर्निंग नहीं होती ये लैंग्वेज एक्वायर करना होता है लैंग्वेज एक माहौल के अंदर रहते हुए एक जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो जो चाइल्ड है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है अगर उसको किसी और डिफरेंट इन्वायरमेंट पहुँचा दिया जाए वो नहीं सीख सकता या वो वही मतलब है वहाँ जिस इन्वायरमेंट में जाएगा वो वही चीज़ें सीखेगा और उसने मेकनिज़म ऑफ इनहेरेंट थेरी पेश की है और लैंग्वेज एक्विजिशन फार्मूलेट्स इन नेट प्रोसेस ये इन नेट प्रोसेस है मैंने आपको बताया इन इनबॉर्न प्रोसेस है जो नेचुरल प्रोसेस है जो उसके दिमाग जो ब्रेन में एक उसको एक ग्लैड या एक डिवाइस है जिसकी वजह से वो उस वो सीखता है और ऑन द अदर हैंड सम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस ये इसमें मुमकिन है पॉसिबल भी हो सकता है कि उसमें वो वो करक्टनेस ना हो वो सोशली एक्सेप्टेबल ना हो तो एनी हाउ ब्रीफली ये है कि जो जो ग्रामर है वो प्रिंसिपल्स हैं वो सिंटैक्स है वो रूल्स है वो रूल्स हैं है, जो हमें आ, बताते हैं कि किस तरह हमने करेक्ट अंदाज से लैंग्वेज को बोलना है और किस करेक्ट ऑर्डर से हमने सेंटेंसेस को तरतीब देना है